जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी विच जुड़ बैठे गुरु प्यारे खालसा जी मेरियो मताओ भैनों बचो बजुर्गो गज के फतेह बुलाइए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सूरा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाडे खेत दे महावाक अनुसार सिख कौम की आन मान ते शान की राखी वास्ते अनमोल हीरे कौमी योधे शहीद भाई हरजिंदर सिंह जिंदा शहीद भाई सुखदेव सिंह सुखा उन्हां दी मिठी याद विच आपां जुड़ बैठे हाँ। गुरु प्यारे खालसा जी ये वो महान योधे ने जिन्हां ने कुरबानी करके दुनिया नू इंडिया दी गवर्नमेंट नू ये गल दस दित्ती कि जिसने भी जिस वक्त भी जुल्म किया है उसनू उस जुल्म का बदला जिहड़ा सिख कौम ने उसका नाश करके वो बदला लिया है। भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा वो महान योधे सन जिन्हां ने इस पिंड तो भाई हरजिंदर सिंह जिंदा ने और भाई सुखदेव सिंह सुखा ने राजस्थान वालों अगवाई करदिया होया उस तरह भाई सुखा सिंह भाई महताब सिंह दे उन्हां सूरबीर कदमों नूं चुमिया जिन्हां कदमों ते चलदिया होया उन्हां योधिया ने मस्से रंगड़ दा सिर लाया सी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भारतीय फौजा दा जरनैल उस नूं पूने दे विच जाके मारना यह जिहड़ा कार्ज है भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा दे हिस्से आया और इतिहास दे विच उन्हां ने अपना नाम सुनहरी अखरां दे नाल दर्ज करवा लिया। मैं देख रहा सी एक सोशल मीडिया के उपर वीडियो जिस दे विच भाई जसवंत सिंह खालड़ा वो गल कर रहे अपनी कौम नाल वो कह रहे ने कि असी गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच आउंदे हाँ ते असी अरदास करदे हाँ कोई दुध मंगदा कोई पुत मंगदा कोई अपने भविख दे बारे गल्लां करदा कहिंदे कि जिहड़ी कुरबानी और अपनी कौम की सेवा वास्ते अपना सीस देन की अरदास करनी ये सब तो वड्डी एक बख्शिश है जिहड़ी कि हर एक नूं नहीं मिल सकती। वो कहिंदे कि यह जिहड़ी बख्शिश जिसनूं मिल जावे उसनूं ना किसी धन की लोड़ है ना किसी प्रभुता की लोड़ है ना दुनियावी किसी सुख की लोड़ है उसका नाम जिहड़ा इतिहास दे विच सदा वास्ते गूंजदा रहिंदा है। सो ये शब्द जिहड़े मैं समझना भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा वास्ते बड़े ढुकमें ने कि उन्होंने गुरु पातशाह के चरणों में अरदास की उन्होंने तुसी जेल चिट्ठिया और अंतम जिहड़े पल सन शरीरक तौर पर वो तुसी पढ़े होणगे क्योंकि जिहड़े सताल लगते ने उन्हां दे विच जिहड़ा इतिहास है अज दुनिया के कोने कोने दे विच वख-वख तरीकियां दे नाल पहुँच रहा है उस दे विच उन्होंने अपना पूरा टाइम टेबल जिहड़ा अमृत वेले उठना उस तो बाद इशनान करना और इशनान करन तो बाद अपने नितनेम करना और फिर सेब खा के दही खा के उस तो बाद शहादत लई तैयार होना ये जिहड़ी एक अनोखी शहादत है इहो ही अपनी कौम नूं जिहड़ी जिंदा रख रही ने इहो जिहियां शहादतां क्योंकि ये जिहड़े कुरबानी वाले योधे ने उन्हां दीआं कुरबानियां जिहड़ियां ने भाई सतवंत सिंह भाई बेअंत सिंह भाई केर सिंह तुसीं देखो कि उन्हां नूं किस तरीके का कोई पंजाब पुलिस दे विच कोई कांस्टेबल लगा होवे हौलदार होवे एएसआई होवे वो अपना समाज दे विच किस तरीके का रुतबा रखदा है वो अपने परिवार किन्ना फखर करते हैं कि साडा परिवार का मैंबर जिहड़ा मुलाजम है अफसर है। लेकिन भाई बेअंत सिंह जिन्हां ने एक एडे वड्डे अहुदे दे उपर रहिंदा होया वह भी वीवीआई सिक्योरिटी दे विच वीवीआई पी सिक्योरिटी दे विच रहिंदा होया तो उत्थे कुरबानी का जज्बा पैदा किया। गुरु प्यारे खालसा जी अज दे समें दे विच आपां नूं एक गल जरूर विचारनी चाहीदी है
जिन्ने मर्जी वखरेवे होण मतभेद होण लेकिन कौमां जिहड़ियां ने इस कौम दे विच्चों ही वह जिहड़े जुझारू योधे ने जिन्हां दे विच अज भी भाई निर्मल सिंह निम्मा भाई करमजीत सिंह सनाम भाई करमजीत सिंह सनाम के बारे तुसीं जानते ही हो कि जदों उस बंदे नूं मारन वास्ते उन्हें पूरी कोशिश की जिसने कहा सी कि जदों वड्डा दरख्त डिग पैंदा ते धरती हिलदी है मतलब कि राजीव गांधी नूं सोधा लाउण वास्ते अपने वल्लों पूरी कोशिश की वक्री गल बच गया। गुरु प्यारे खालसा जी इस तरह के जिहड़े योधे ने उन्हां नूं सत्कार देना और जिहड़े शहीद हो चुके ने उन्हां दा सत्कार उन्हां दे परिवारां दा सत्कार और उन्हां दे जो नक्शे कदम ने उन्हां दे उपर चलण दा जिहड़ा तहैया है वह केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी दे विच बैठ के अरदास करके और सिमरन करके ही प्राप्त हो सकता है। किसे ऐरे गैरे नूं यह जिहड़ियां शहादतां ये नहीं मिल सकदियां यह जिहड़ियां कुरबानियां ने यह कुरबानियां करन दा जिहड़ा जज्बा है जिवें भाई शमशेर सिंह जिहड़े स्टेज की सेवा निभा रहे ने उन्हां दस्या है कि अज कौम दे विच अपनियां जिहड़ियां जिम्मेवारियां ने उन्हां जिम्मेवारियां नूं आपां नूं चंगे तरीके नाल निभाउणा चाहीदा है। आपां देखदे हां सरकारां फेल हो चुकियां ने सिस्टम फेल हो चुका है साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दीआं जिहड़ियां घटनावां ने उह लगातार पिंडां दे विच शहरां दे विच कस्बियां दे विच रोज़ ही आपां अखबारां दे विच पढ़न नूं आपां नूं मिलदियां ने उस नूं रोकण वास्ते आपां नूं आप पहरेदार बनना पवेगा। अपने पिंडां दी जिम्मेवारी जिथे गुरद्वारा साहिबान मौजूद ने उस तरह निभाउणी पवेगी जिवें आपां अपने पिंड दी अपने घर की जिम्मेवारी निभाउंदे आ। आ पिछले समय दे विच काला कच्छा गिरोह पिंडां दे विच आए सी असी पिंडां दे विच ठिकरी पहरे लाए असी अपने बचाव वास्ते जे इन्ने उपराले कर सकते हैं तो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी कित्थे हुंदी है। हर पिंड दे विच 1,000, 2,000, 500, 200 आबादी वाले घर हैगे ने और उन्हां घरां दे विच सब तो ज़्यादा मनण वाले साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं परिवार हैगे ने फिर जिहड़े बेअदबी करन वाले सुक्के किवें चले जांदे ने उन्हां नूं किस गल दा क्यों नहीं डर हैगा। इह जिहड़ियां गल्लां ने जदों सरकारां फेल हो जाण जदों सरकारां बदनीत हो जाण जदों इस तरह दीआं साजिशां रचियां जाण उस वेले कौम नूं आप पहरेदार बनना पैंदा है। सो गुरु प्यारे खालसा जी अज दे समें दे विच जदों आधुनिक युग है सीसीटीवी कैमरे पहरेदार कमेटियां जिहड़ियां ये बनाउणियां बड़ियां जरूरी ने तां कि अगले नूं डर होवे कि मैं कोई भी हरकत करांगा तां मेरी नोट हो जाएगी और मैं आउण वाले समें दे विच सज़ा दा भागीदार बनांगा। एक सज़ा हैगी है लोक दी एक परलोक दी परलोक दे विच तां सज़ा मिलनी मिलनी है लेकिन लोकां दे विच रहिंदिआं होइआं उस माड़े अंसर नूं सज़ा मिल सके इस दा आपां नूं उपराला करना चाहीदा है। सिख कौम दे इन्हां महान योधिआं नूं श्रद्धांजलि दिंदा होइआ मैं उह माता पिता नूं भी याद करदा जदों भी माता जी इत्थे आईदा सी इन्ना सत्कार दिंदे सी हरेक जथेबंदी दे सिंघ नूं और उस तरह भैण बलविंदर कौर जी अज परिवार नूं वीर नरभै सिंह भुपिंदर सिंह ये जिहड़ा परिवार है इन्हां दे अंदर जिहड़ा जज्बा है ये कौमी जज्बे वाले परिवार जिहड़े आपां नूं संभालने चाहीदे ने उस वास्ते मैं सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा कि दास नूं अज उन्हां शहीदां नूं श्रद्धा दे फुल भेट करन लई कोई समा दिता है और इस मौके पर सिख मीडिया का जो सिख चैनल है और जिहड़े होर तमाम जो साढ़े अकाल चैनल है जां देश विदेश तो जिहड़ा साढ़ा सिख मीडिया इसने साड़ी आवाज़ बन के दुनिया नूं दस्या कि कौम दे विच इक जुटता किवें लैके आउणी है जिवें पंज प्यारे दस के गए ने कि सरबत खालसा जिहड़ा वह विधि विधान दे नाल और एक पंथक जुगत दे नाल जिस दे विच पंथ दे जिहड़े मसले ने गंभीर मसले ने और आजादी की जिहड़ी जंग है उस नूं किवें असीं जितना है और उस लई सुचज्जे ढंग तरीके किहड़े हो सकदे ने उस वास्ते आपां नूं उपराले करन दी लोड़ है। इन्हीं बेनतियां करदा होया दास खिमा दा जाज के गज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।